एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का दिन जो था वो बहुत ज़्यादा बिजी था मेरा, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं सारे काम कर लूँगी, कपड़े वपड़े धो लूँगी, क्योंकि हमें जाना था मथुरा किसी काम से। तो निक्की चारू दोनों ऑफिस चली गई थी, घर पे मैं और हितू ही थे। तो मैंने कहा चलो पहले मशीन ही लगा लेते हैं। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने फटाफट से मशीन लगाई, और फिर उसके बाद देखो सुबह सुबह किचन का ये हाल होता है बहुत ज़्यादा। तो एक तरफ मशीन लगी हुई थी, दूसरी तरफ मैं बर्तन धो के अपना किचन साफ़ कर रही थी, और साफ़ होने के बाद मेरी किचन ऐसी लग रही थी। फिर उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, और आज ही के दिन पोपट होना था। हमारी जो मोटर थी वो ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने फिर प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर भी लेट आया, और उसके बाद उसने मोटर ठीक करी। ये करते करते शाम के चार बज गए, और कपड़े जो है वो धुल ही नहीं पाए थे, क्योंकि सारा टाइम मोटर ठीक करने में ही निकल गया। तो मैंने सोचा चलो जब तक दूसरी तरफ कपड़े जो रह गए हैं वो धुल रहे हैं, मैंने गोभी बनानी थी तो गोभी काटी फटाफट से। और गोभी काटते वक्त मुझे डर लगता है क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बनानी तो है ही। तो एक तरफ मैंने आलू भी काट लिए, गोभी भी गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दी थी। फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं। चाय, मैं अकेली हूँ, चाय मेरे साथ कोई भी हो, चाय तो मुझे चाहिए ही होती है शाम की। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी थी। चाय और टोस्ट मैंने इंजॉय किया फिर उसके बाद। और मैं ना टोस्ट खाते खाते क्यूटी को चिढ़ा रही थी, क्योंकि वो मुझे देख रही थी कि उसको भी टोस्ट मिलेगा, इसलिए मैं उसे ना चिढ़ा रही थी। फिर इतने में हितू ने उसको बिस्किट दे दिए। आजकल धूप अच्छी निकल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो जो कपड़े सूख चुके थे मैं उनको तय लगा के रख रही थी। उसके बाद मैं आ गई सब्जी बनाने के लिए। मैंने फिर सब्जी फटाफट से बनाई एक तरफ। उस दिन ना मैंने ना बेसन का हलवा भी बनाया था, तो वो वीडियो तो आप लोग देख ही चुके हो। इससे पहले मैंने बेसन का हलवा बनाया था, फिर मैंने सब्जी बनाई। सब्जी बनके तैयार हो गई थी, फिर मैंने सोचा चलो आटा भी गूंद ही लेते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से आटा गूंदा, और फिर मैंने रोटी भी बना के रख दी थी सबको, सबके लिए, मतलब जिसको जब खाना हो खा लो। तो रोटी भी बन चुकी थी, और आज जो मेरा पोपट हुआ है मैं क्या ही बताऊँ। रात के 7:30 बज गए हैं, और मेरे कपड़े अब जाके धुले हैं। तो ये आखिरी था, और मैंने फटाफट से कपड़े सुखाया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने फटाफट से खाना खाया, और मैंने कुछ भी आगे का रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और सो गई थी। तो ये था मेरा आज का दिन। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।